देखिए स्टूडेंट, काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये भी, कि इनवर्स का ही प्रॉब्लम है। देखिए e raised to f of x log x, if g of x is inverse of f of x then find the g dash x। थोड़ा सा ध्यान दें इस पे, ये प्रॉब्लम दिखने में बहुत सिंपल है लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें e पावर f ऑफ x गिवन है, डायरेक्ट फंक्शन f ऑफ x कहीं पर भी नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आप लिखते हैं e पावर f ऑफ x इज इक्वल टू log x। इन तरीके से अपन सॉल्व करते हैं इसको। f ऑफ x आइए टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, वैसे e ln बोथ साइड, तो f ऑफ x 1 हो जाता है, यहाँ पे log ऑफ log x हो जाएगा, log ऑफ log x है ये, एग्जैक्टली ये चाहिए। f ऑफ x हमें मिल जाता है इसमें, थोड़ा सा ध्यान दें, f ऑफ x मिल जाता है। फिर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। इनवर्स, जी इनवर्स है अभी किया हमने, g डैश y इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x, जी डैश वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। इसी से करते हैं, तो जी डैश वाई, वाई मीन्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। ओके, एफ डैश एक्स यहाँ फाइंड कर लेते हैं, फिर ये करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, 1 अपॉन लॉग, और डिफरेंशिएट किया तो ये कंप्लीट लॉग एक्स आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x log x। ओके, बट देन तो हमें क्या मिल रहा है, g dash y is equal to reciprocal of this x log x, x log x। अभी आंसर नहीं है क्योंकि हमें चाहिए इनवर्स ऑफ f ऑफ x, देन g dash x चाहिए, g dash x चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दें, अभी ये फंक्शन ये y के टर्म में इसको लेके आते हैं, ध्यान दें इसमें गाइस, ये y है मेरे पास, देख लें f ऑफ x इज इक्वल टू y, इस साइड में मैं कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू log ऑफ log x, ध्यान दें log x इज इक्वल टू ये रेस e रहता है तो इज इक्वल टू e रेस टू y हो जाता है, और ये देखें नेक्स्ट फिर ई रेस पे ले रहे हैं तो ई ऑफ ई रेस टू वाई हो जाता है यहाँ पर, ये दोनों हम यूज करेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा ध्यान दें, वाई के टर्म में जी डैश वाई इज इक्वल टू, देखे एक्स की जगह वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ई रेस टू ई पावर वाई, और लॉग एक्स ध्यान दें क्या मिला हमें, जी डैश वाई इज इक्वल टू ई रेस टू e y plus y। ओके गाइस, ये देख ले g dash of y is equal to, देखे मैं चेक करता हूँ, ठीक है इसकी जगह वैल्यू रख देता हूं मैं, फाइनली मुझे क्या मिल जाता है, g dash x is equal to e raise to x plus यहां पर x, दोनों का इसमें प्लस करेंगे, इसी में ये आंसर चेक कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये, देखें इसमें f of x is equal to 4x cube minus 6x square cos 2a plus 3x into sin 2a into sin 6a plus root log of 2a minus a square, then ये find करना है, f dash 1 by 2 is less than 0 या f dash 1 by 2 is less than or equal to 0 या c f dash 1 by 2 is greater than 0 या none of this। ये देख लें, ये problem है, काफी अच्छी problem है। देखें सॉल्व करेंगे आप, लेकिन इसमें a है
को किस तरह से अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो ए आ जाता है, ए का हमें पता नहीं है, ठीक है, ए अननोन है। तो सबसे पहले ए को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से दिया है रूट में। तो देखो ये फंक्शन के डिफाइन होना चाहिए तभी हम बात करेंगे। तो फंक्शन को डिफाइन होने के लिए देखो यहाँ पे रूट है, रूट भी डिफाइन होना चाहिए, रूट स्क्वायर रूट पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं, देखें इसमें लॉग 2a माइनस ए स्क्वायर, लॉग है बेस e पर है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्लियर है? मीन्स 2a माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन e बेस e पावर जीरो, मीन 2a माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन लेस देन आर इक्वल टू जीरो। ओके, थोड़ा सा ध्यान दें इसमें क्या बन रहा है, ए माइनस वन का होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू जीरो। ये देखो ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए गाइस, क्या तो नेगेटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। तो स्क्वायर है तो नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इससे रिजल्ट आ जाएगा ए माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन ए इज इक्वल टू वन। ध्यान दें ये हमने फाइंड कहा, ए इज इक्वल टू वन इसमें पुट कर देते हैं। देखिए इसमें एफ ऑफ एक्स 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, तो cos 2 बन जाएगा प्लस 3x sin 2 sin 6। ठीक है, देख लें अच्छे से, यहाँ तक अभी पुट किया हमने 2a, तो 1 हो गया, 3x sin 6 हो गया, प्लस देखें इसमें 2 माइनस 1 log 1 जीरो आ जाएगा, बस इतना है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स देखो 12 एक्स स्क्वायर बन रहा मेरे पास माइनस 6, मतलब यहाँ पर 12x cos 2 कांस्टेंट है, 3 sin 2 sin 6 आ रहा है। ओके गाइस, एफ डैश 1/2 एक्स इज इक्वल टू 1/2 पुट करता हूँ, 4 हो गया तो ये 3 हो जाएगा, 1/2 तो यहाँ पे आ जाएगा 6 cos 2 प्लस 3 sin 2 sin 6। इसको चेक कर लेना आपकी ये पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, आपको ये चेक करना है। देखो इसको चेक कर लेते हैं, f' 1/2 3 कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 2 cos 2 ओके, और 3 sin 2 sin 6 ये तो पॉजिटिव बन नहीं रहा, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। cos 2 देखो 2 रेडियन में है, 1 का मतलब क्या होता है रेडियन में होता है 57 डिग्री, 2 का मतलब 120 के आसपास होगा, हो गया 1। तो cos 2 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता तो ये पूरी क्वांटिटी ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 2 और जो भी वैल्यू आ रही तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। वापस से देखें cos 2 2 रेडियन किसमें हो जाता है, रेडियन की वैल्यू अगर देखते हैं 90 डिग्री कितना होता है π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री π/2 अप्रोक्सीमेट 1.5 होती है, जबकि 2 कितना होता है आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव वैल्यू आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस के, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कंप्लीट पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें मिल जाता है f डैश 1/2 इज ग्रेटर देन c, ये आंसर होगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा हमारे पास c आंसर। ओके गाइस, काफी अच्छे से आपको दिख गया होगा।